हमारा गोल्डन झूमर। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल अनु सिंह 13। अभी भी मैं ऑफिस से आई हूँ और सब लोग गए हुए हैं, एक एक्सपो मार्ट लगा है वहाँ पर। सब लोगों ने मुझे बोला था कि मुझे भी चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं ऑफिस में थी तो मैं नहीं जा पाई, इसलिए सब लोग चले गए। आज जो है परफॉर्मेंस है अरुणिता का, पवनदीप का, ये सब लोग आ रहे हैं वहाँ पर। और वहाँ पर बहुत सारे एग्जीबिशन भी लगते हैं, मतलब कि गाड़ियों के, कपड़ों के, जिसका भी अपना स्टार्टअप होता है ना, तो वो वहाँ पर एग्जीबिशन वगैरह लगाता है। तो वहाँ पर बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली। मैं इतने साल में, 6 साल हो गए यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में, लेकिन मैं आज तक वहाँ पर नहीं गई हूँ, क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं मिल पाया कि मैं जा पाऊँ। पहले तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, एंड देन जब पता चला तो फिर कभी हो ही नहीं पाया कि मैं जा पाऊँ। इस बारी खुशी ज़बरदस्ती लेकर गई है सबको, सिंधु दीदी और खुशी गए हुए हैं, और उधर उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, अजहर और हर्ष। तो कोई बात नहीं, मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन मैंने बोला था उन लोगों की वीडियो वगैरह शूट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, और वो सिंगर आ रहे थे बड़े, तो ऑब्वियसली मतलब शूट तो होना ही चाहिए। तो मैं इस क्लिप के बाद वो ऐड कर दूंगी, आप लोग देखना और बताना कि कैसा परफॉर्मेंस है उन लोगों। वैसे तो मैं कभी एक्सपो मार्ट में नहीं गई हूँ, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ वीडियो में भी। कभी वीडियो भी ओपन करके नहीं देखा था कि यहाँ कैसा होता है अंदर इंटीरियर यहाँ का। और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगे हुए थे, आप देख सकते हो, हॉल 9, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। मैं तो बिल्कुल आउट हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं क्या है। इस एग्जीबिशन में ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड की गाड़ियाँ होती हैं, सारे ही ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिसको जो खरीदना होता है यहाँ से वो लेकर जाता है। आई गेस बुकिंग करनी होती है, आई डोंट नो। यहाँ पर बहुत ही महंगी महंगी गाड़ियाँ लगी हुई थी, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी सिस्टर कह रही थी कि उसको लेने का मन कर रहा था, लेकिन गाइस पैसे की प्रॉब्लम, ऑब्वियसली इतना महंगा तो गाड़ी लेने का बजट नहीं है। हम लोग कॉस्मेटिक स्टोर की तरफ आ रहे हैं। इन सब के डिज़ाइनर हमारी छोटी दीदी हैं, इसकी डिज़ाइनर मैं हूँ, और ये सारा जो स्टोर है इस डिजाइनर सादिया है। हाँ। अब सादिया कौन है ये हम आपको बाद में बताएंगे। दीदी के दूर दूर तक बस शॉप ही शॉप है इधर, आप कुछ भी परचेस कर सकते हैं, बस प्राइस ज़्यादा है यहाँ जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मशीन एम्ब्रॉयडरी है ये। ये लोग रुक गए हैं ट्रेजर हंट पे, यहाँ पे ये फ्रेम्स देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्यारा फ्रेम्स है। ये देखो पूरा मार्बल आर्ट है, और यहाँ पे कैंडल्स भी हैं, वाह आप देख सकते हो, ये आपके लव्ड वंस के लिए। जब मैंने यहाँ पर इतने अच्छे हील्स और बूट्स देखे वीडियोस में, मुझे ऐसा लगा कि यार काश मैं भी गई होती, यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सच में मिल रही हैं। और इतना ही नहीं, सिंधु का कहना था कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पर्स वगैरह भी मिल रहे थे, और ज़्यादा महंगा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं था, तो मतलब ठीक ठाक ही बजट में मिल रहा था। और ये सारे वेसल्स वगैरह मिल रहे थे, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, दूर से लग रहा है कि यहाँ कितना हाईलाइटेड चीज़ें हैं। और सबसे यूनिक चीज़ जो दिखी यहाँ पर, ये सोने का झूमर दिखा, मतलब गोल्ड प्लेटेड है, तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि गोल्ड ही है एग्जैक्टली। जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा लिप्स देखा गया, किसी का ऐसा लिप्स हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। क्या डिसाइड किए हो? कुछ भी नहीं, मेरा कढ़ाई पनीर और बटर नान बाहर से ऑर्डर। तुम क्या खा रहे हो अजहर? गाजीपुर का तो बहुत महंगा है दीदी, इसलिए किसी और का। खुशी गोरखपुर का खिला रही है, जो जहाँ का है वो वहाँ का खिला रहा है। ये हर्ष कहाँ का है? आपको मैं कुछ नहीं, कहाँ के हो? मुरादाबाद का। ट्रायल लेने के बहाने मेरी बहन ने कराया मसाज, और इसको मसाज करवाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर इसका बस चले ना, तो एक बंदे को हायर कर ले कि हाँ डेली बेसिस पे इसका मसाज करे, उसको पे करे प्रॉपर। सब कुछ तो ठीक है गाइज, लेकिन ये लोग यहाँ पर भी पहुँच जाएंगे, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन इनका जो तेल है ना, ये बहुत ज़्यादा बिक रहा था वहाँ पर। गाइज आप इसे तो पहचानते ही होंगे, जो मोस्ट ट्रेंडिंग ऑयल है वो हम ले रहे हैं छोटी दीदी के बालों के लिए। यही लगा कि मेरे बाल इतने लंबे हुए हैं, ऐड नहीं कर रही मैं, फेक है। क्या बोल रही हो सिंधु? कुछ नहीं, बताओ तो। उसमें एक और हिस्सेदार ये अंकल खा रहे हैं यहाँ पे, तो कह रही है एक उठा लो क्या फ्रैंक बोल के, तो यहाँ पे खा रहे हैं। तो गाइस अभी पवनदीप और अरुणिता आ चुके हैं, और हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, देखते हैं।
उधर वाले बिल्कुल एनर्जी मिलने वाले अभी तो पार्टी ये दिल हो मुझको दीवाना मैं तो आइडल आप सभी के बीच फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एवी प्ले होगा देन आफ्टर वो स्टेज पे परफॉर्म करेंगी सो गाइस आर यू एक्साइटेड कि मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ टाइम लगेगा इसमें से निकलने के लिए पर इन द सेम नोट्स अरुणी का सिंपली नोट अरुणिता का परफॉर्मेंस सच में माइंड ब्लोइंग था मुझे तो सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा और यहाँ पर क्राउड भी कितनी ज्यादा है आप देख सकते हो लोग बैठे हुए हैं उनका परफॉर्मेंस देख रहे हैं और उसके बाद फिर पवनदीप भी आए थे तो दोनों लोगों का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा आप लोगों को कैसे लग रहा है प्लीज कॉमेंट करके बताना पूछ तो मैं ऐसे नहीं जैसे मैंने परफॉर्मेंस दिया हो वैसे तो मेरे पास और भी बहुत सारे वीडियो क्लिप्स थे पर मुझे लगा कि यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर सब इरिटेट हो जाएंगे देखने में वीडियो तो इसलिए मैंने बहुत ही कट टू कट पॉइंट रखे हैं बहुत ज़्यादा क्लिप ऐड नहीं किया और इसके बाद सब चले गए घर कैसे चला रही हो गाइस आप देख सकते हो क्योंकि मैं मैगी नहीं रात के 11 बजे डाल गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो वहां से आने के बाद ये मैगी खा रही है बैठ के जबकि इतना सारा खा कर आई है पराठा खाई है और भी क्या क्या खाई हो दीदी छोला समोसा फिर भी खा रही हो प्लेन डोसा तो फिर भी क्यों खा रही हो यार मोटी इसलिए भैंस हो गई हो तुम नाच नाच के पेट खत्म हो गया इसलिए तो भैंस हो गई हो मैं कह तो रही हूँ कि तुम वहां भी खाई अभी यहाँ पे अभी आके खा रही हो ठीक है फिर मुझे मत बोलना और मैं इतना मिस करी ना कि मेरे को भी वहां जाना चाहिए था जींस लूज हो गई है मैं पता इतना सोच रही थी कि यार मैं भी चली गई थी ऑफिस से पहले आ जाना चाहिए तो फिर मैं भी गई थी बहुत मजा आया होता पता है हम लोग तो बोले थे आ जाओ तो नहीं आए अरे और गाइस वैसे तो मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रही हूँ इस व्लॉग में पर इन लोगों ने जितना भी वॉइस ओवर जितना भी इन लोगों ने बोला था और मैंने कुछ वॉइस ओवर कर दिया तो एक थोड़ा सा क्लिप बना दिया वीडियो बाकी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था अरुणिता का और पवनदीप का भी वो लोग वैसे भी बहुत अच्छे सिंगर हैं बहुत टाइम से और साथ वाला भी तो था साथ वाला तो नहीं दिखा मुझे अच्छा छोटा झूठ वाला मुझे नहीं डालना वैसे भी अच्छा ये लोग क्या कहते किस टाइम के विनर है पिछले साल ना पिछले साल ये लोग विनर भी हैं लिटिल चैंप पे आई थिंक लिटिल चैंप सारे का मापा तो वहां पर ये लोग विनर पे आप लोगों को तो मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बहुत फेमस सिंगर हो गए हैं अभी तो वो लोग और गाना भी अच्छा गाते हैं तो बस यहीं पे मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अभी मुझे ना सर में बहुत ज्यादा दर्द है क्योंकि ऑफिस से आने के बाद क्या होता है जनरली सर दर्द स्टार्ट ही हो जाता है डेली बेसिस पे कभी कभी नहीं होता है तो आज स्क्रीन टाइम भी थोड़ा कम था वैसे ज्यादा भी था नॉर्मल था तो पता नहीं क्यों आज सर दर्द हो रहा है तो बस अब मैं सोने जा रही हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग
क्या? अच्छा तुम घूम के आई, मैं तुम्हारा सर दबाऊं? वैसे तुम लोगों को तो वहाँ पे आवाज भी तो और ज्यादा क्राउड की वजह से हो रहा होगा, लाइट की वजह से, लाइटिंग और बहुत ज्यादा ब्लिंक की लाइट होता है ना, ऐसे 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 क्रॉस वाले, क्रॉस वाले होते हैं, कभी इस आंख में कभी उस आंख में जाते रहते, तो वो होता है आंख, बोल रही हूँ। चलो गाइस बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।